हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले फ्रेंड जो कि मेरे पास है रेडमी के 30 प्रो। तो मैं इसमें बात करने वाला हूँ कीबोर्ड माइक को कैसे इनेबल करें। जी हाँ फ्रेंड, आज की वीडियो में यही सीखेंगे। और फ्रेंड, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में बड़े आसानी से कीबोर्ड माइक को इनेबल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले कीबोर्ड को आपको ओपन कर लेना है, कहीं से भी कर ले, व्हाट्सएप, सेटिंग, फेसबुक, कहीं से भी कर ले। आपको खाली कीबोर्ड को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है और यहाँ पे सेटिंग्स का आइकन दिख रहा होगा आपको। सेटिंग्स के आइकन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जो है देख सकते हैं, इसको जो है इनेबल कर देना है, इसे ऑन कर देना है आपका जो है कीबोर्ड। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, कीबोर्ड पर मेरा माइक नहीं है, ये देख सकते हैं, नहीं है ना। तो अब मैं दिखा देता हूँ आपको कीबोर्ड माइक इनेबल करके। तो मैंने ये कि इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ये जो है ऑन हो चुका है और कीबोर्ड माइक भी हमारा इनेबल हो चुका है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसी तरह से इनेबल कर सकते हैं कीबोर्ड माइक को। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।